बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियल डेकोर आइडियाज़। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर जूट क्राफ्ट फ्लावर डेकोरेशन लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये डेकोरेशन पसंद आएगी। ये डिफरेंट स्टाइल हैं, फ्लावर बनाने के तरीके दिखाए गए हैं और कुछ आइडियाज़ दिखाए गए हैं डेकोरेशन के, जो कि आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे अगर आप क्राफ्ट के शौकीन हैं, अगर आप जूट क्राफ्ट के शौकीन हैं। इसमें जूट क्राफ्ट और रूप क्राफ्ट की मदद से बनाए गए कुछ चीज़ें हैं जो कि सुतली और जूट की मदद से डेकोरेट की गई हैं। आप देख सकते हैं, ये टी कप है जिसे के रूप और फ्लावर डेकोरेशन से डेकोरेट किया गया है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको ये क्राफ्ट बहुत पसंद आया होगा। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्राफ्ट, और ये बहुत ही खूबसूरत क्राफ्ट लगता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट आइडियाज़ हैं। आप देख सकते हैं, आप अपने रिजेक्टेड चीज़ों को इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। इसमें कुछ बॉटल क्राफ्ट की मदद से भी डेकोरेट की गई हैं, और पुरानी चीज़ों को दोबारा से नया करके उनकी मदद से वाज वगैरह ये सब चीज़ें तैयार की गई हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम डिज़ाइंस पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हमेशा समझाती हूँ, किसी भी चीज़ को आप रिजेक्टेड मत समझें। हर चीज़ काबिल इस्तेमाल होती है, आप उस चीज़ को किसी ना किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए उन तमाम चीज़ों को अपने लिए दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिश किया करें, और अपने बच्चों को भी आर्ट एंड क्राफ्ट के करीब करें। उनकी ज़िंदगी में भी ये तमाम चीज़ें लेकर आएं और उन्हें छोटी छोटी सी चीज़ें सिखाएं ताकि उनमें भी ये रुझान पैदा हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने बच्चों के लिए मैंने बच्चों से रिलेटेड भी क्राफ्ट की वीडियोज़ अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, तो आप कोशिश करें अपने बच्चों को भी कुछ ना कुछ सिखाएं। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जब आप बनाएंगे तो बच्चों का ऑटोमेटिकली ध्यान उधर जाता है, और फिर उनकी लाइफ में ये क्रिएटिविटी की तरफ रुझान पैदा होता है। तो प्लीज़ कोशिश करें अपनी लाइफ में ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ रखने की। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप को ये तमाम चीज़ें पसंद आ रही होंगी। आप आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में, हम उससे रिलेटेड आइडियाज़ लेकर आएंगे आपके लिए। कुछ फ्रेंड्स मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मेरा दिल बहुत खुश होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा कामयाब करे और तरक्की दे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।